स्वागत है आपका सिंह अर्जुन के नए एपिसोड में। दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो उसका एक पार्ट माइंड में आता है वो है लिथियम आयन बैटरी। उसका रीजन ये है कि 40-50% प्राइस तो इन लिथियम आयन बैटरीज का ही है, बल्कि आप जानते हैं कि जो लिथियम आयन बैटरीज सिर्फ लिथियम आयन से नहीं बनती, टोटल 5 तरह के ऐसे मिनरल्स या एलिमेंट्स इनमें जरूरत पड़ती है, फिर जाकर ये कंप्लीट एक लिथियम आयन बैटरीज तैयार होती है। क्योंकि उसके एनोड अलग मटेरियल होगा, कैथोड अलग मटेरियल होगा, इलेक्ट्रोलाइट अलग रहेगा, तो इस तरह से मिलाकर ये बैटरीज बनती है। तो आज इन टोटल जो भी इसमें केमिकल एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली ये वीडियो रहेगी कि कौन सा मिनरल कौन सी कंट्री में ज्यादा मिलता है, इस पर ये वीडियो आज बनने वाली है। तो इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इस तरह के अपडेट्स पर, बने रहे वीडियो के साथ अंत तक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से और हम भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। लिथियम आयन के अलावा जो अदर्स केमिकल्स या मिनरल्स या एलिमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं वो है दोस्तों, फर्स्ट तो है बिल्कुल लिथियम आयन, सेकंड है कोबाल्ट, थर्ड है ग्रेफाइट, नंबर 4 पर है निकल एंड लास्ट है मैंगनीज। इन पांचों को मिलाकर ज्यादातर लिथियम आयन बैटरीज या अदर बैटरी जो कंपोजिशन है वो बनाई जाती है। मेरे पास एक डाटा है फ्रॉम US ऑफिस ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसके हिसाब पूरा वर्ल्ड वाइड इन पांचों मिनरल्स को जो जो कंट्रीज में ज्यादा पाया जाता है परसेंटेज के हिसाब से ये डाटा मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बिल्कुल बात करते हैं लिथियम आयन की। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंफर्म सोर्स है वो है ऑस्ट्रेलिया, 44% यहीं पर वर्ल्ड का जो लिथियम आयन है यहीं पर पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी यहीं हो रही है, मतलब माइनिंग सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में 6 नई माइनिंग्स और जो एरिया है वो कंफर्म, स्पेशली ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और तीन देश है मेनली, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया या थोड़ा सा चाइना में भी अवेलेबल है। इन तीन कंट्रीज को लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद जो भी है तकरीबन सारा का सारा इन तीन कंट्रीज में ही है। चिली में बात करें तो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, इन तीनों में मिलाकर वर्ल्ड का मोर देन 2/3 जो लिथियम आयन है वो इन तीन कंट्रीज में ही पाया जाता है। चाइना भी 3-4% है, उसके अलावा ज्यादा ये काफी रेयर एलिमेंट है। बेशक आज की डेट में काफी ज्यादा डिपेंडेंस लिथियम आयन, जब हम लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं, तो काफी डिपेंडेंस है बिल्कुल लिथियम आयन पर, लेकिन ये बिल्कुल एक रेयर एलिमेंट है, लिमिटेड सोर्स है। तो इसीलिए इस जो अदर सोर्स हम अदर जो सोर्स ऑफ बैटरीज अलाइक, कभी हम सोडियम बात की करते हैं, एल्यूमिनियम आयन की बात करते हैं या सुपर कैपेसिटर्स की बात हो रही है, ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों ये लिमिटेड है, ये बहुत जल्द खत्म भी होने वाला है। नंबर आगे बात करते हैं कोबाल्ट, 59% कांगो में है और कांगो में ये बिल्कुल इसको ज्यादातर जो गरीब दबका है वो अपने हाथों से इसको एक्सकेवेट करते हैं, जिससे काफी बार न्यूज भी आई है उस पर कि ये बड़े गलत तरीके से माफिया के द्वारा इसकी एक्सकेवेशन की जाती है, जो कि इससे काफी नुकसान ज्यादा है वहां पर। बेशक 59% तो कांगो में पाया जाता है, कुछ 5% रशिया में और 5% ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। अब क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है माइनिंग कोबाल्ट की, तो इसकी वजह से जो इसकी प्रोडक्शन है वो काफी लिमिटेड है। इसकी वजह से अगर हम लिथियम आयन की बात करें तो प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से उसका प्राइस तो डाउन आ रहा है, लेकिन कोबाल्ट इसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से उल्टा जो प्राइस है वो उतना नहीं कम हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। मैं लिथियम आयन बैटरीज की बात कर रहा हूँ। नंबर 3 ग्रेफाइट, 67% चाइना में है, 13% इंडिया में मिलता है, अच्छी बात है, 8% ब्राजील में है, बाकी अदर्स जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में रहेगा। नंबर 4 निकल, 11% फिलीपींस, 10% कनाडा, 9% रशिया, 9% ऑस्ट्रेलिया और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। लास्ट में है मैंगनीज, 33% साउथ अफ्रीका, 16% चाइना, 14% ऑस्ट्रेलिया, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। आप देख ही रहे हैं दोस्तों यहाँ पर इंडिया में सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी मिनरल्स बहुत बहुत कम है, इवन लिथियम आयन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर आप मेरी सभी वीडियोस देख रहे हो तो मैं बार बार एक बात जरूर करता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, स्पेशली लिथियम आयन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया के फेवर में नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पर ये जो आप देख ही रहे हो जो टॉप 5 जो रिक्वायरमेंट है इन मिनरल्स की, ये इंडिया में नहीं है। टोटली इम्पोर्ट पर हमें निर्भर रहना पड़ता है, जिसके वजह से जो हमारी जो मोनोपोली है स्पेशली चाइना की बहुत ज्यादा है इस सेगमेंट में। इसीलिए जो अदर्स सेगमेंट है या अगर हम या अदर टेक्नोलॉजीज की बात करें, सोडियम आयन,
एल्यूमिनियम आयन या सुपर कैपेसिटर्स, अल्ट्रा कैपेसिटर्स, ये सब जो टेक्नोलॉजी है इस पर भी, स्पेशली आजकल ग्रिफिन की बात कर रही है और जो सुपर कैपेसिटर्स है ग्रिफिन बेस्ड, इस पर भी काम चल रहा है। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक लिथियम आयन बैटरीज पर सारा सेटअप किया जाएगा तो इसमें आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।